हम सोचते हैं कि यदि रोगों से मुक्ति पानी है तो हमें बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन में करने पड़ेंगे जिससे हम रोगों से छुटकारा पा सकें। परंतु ऐसा नहीं है। यदि हम छोटे छोटे परिवर्तन भी कर लें, छोटे छोटे चेंजेस भी कर लें, तो उससे भी हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जीवन शैली में सुधार यह बहुत आवश्यक है। यदि हम छोटा सा भी परिवर्तन करते हैं तो उससे हमारे रोगों में कमी आती है, हम अपने रोगों को क्योर कर पाते हैं और उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हाइपरटेंशन की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, इससे भी हम निजात पा सकते हैं यदि हम छोटे छोटे चेंजेस अपनी ज़िंदगी में कर लें। तो सबसे पहले हमें चेंज करना चाहिए कि हम बिना बात की टेंशन ना लें। टेंशन, तनाव आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। हम कई बार छोटी छोटी बातों को इतना दिल से लगा लेते हैं कि वह हमारे अंदर ही चली जाती हैं, गहरे में पहुंच जाती हैं और उसके कारण बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं। तनाव बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। तो तनाव से पहले मुक्ति पाइए। ध्यान के अभ्यास के द्वारा आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं को जानते हैं, अपने स्वभाव के बारे में जानते हैं और अपने मन को कैसे शांत किया जाए, कैसे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम ध्यान के द्वारा जानते हैं। तो तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे तो तनाव कम होगा और तनाव कम होगा तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में आएगा। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सभी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कुछ ऐसे रसायन, केमिकल्स, हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर में अलग तरीके का परिवर्तन करते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो यदि हम तनाव में रहेंगे तो समझिए ब्लड प्रेशर को हम बढ़ाते जाएंगे। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले टेंशन मुक्त होना सीखिए, तनाव में नहीं रहना, रिलैक्स रहना है। रिलैक्सेशन की विधियों की प्रैक्टिस करें, ध्यान का अभ्यास करें। तो रिलैक्सेशन करा कीजिए, जब भी बैठे कहीं भी शांति से, जैसे आप चेयर पर बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को ढीला छोड़ के, अपने माथे को ढीला छोड़कर पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। जब भी आपको लगे तनाव घेर रहा है अपनी सांसों पर ध्यान दें, गहराई से सांस लें और छोड़ें। जैसे आप यह क्रिया करेंगे तो लगेगा एकदम से तनाव आपका चला गया। सिर्फ एक मिनट आपको देना है अपने लिए और उसी में आप महसूस करेंगे कि तनाव जा रहा है। इसके साथ साथ नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो खाने में और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का सेवन ज़्यादा करना है। आपने ध्यान रखना है फैट बॉडी में ज़्यादा ना रहे, तो आपने बटर से परहेज़ करना है और प्रोटीन्स आप ज़्यादा बढ़ाइए। जैसे दालें लीजिए, अंकुरित दालें लीजिए, सोयाबीन लीजिए, सोयाबीन का दूध मिलता है मार्केट में, वह भी बहुत अच्छा है। और आप पनीर खा सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध यदि लेना चाहते हैं तो डबल टोन लीजिए। डबल टोन मिल्क में जो है मलाई उतरी हुई होती है, यह आपके शरीर के लिए अच्छा रहता है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए जिससे शरीर में कैलोरीज का बैलेंस रहे। जब मोटापा बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो यदि हम कैलोरीज रिस्ट्रिक्टेड लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, बैलेंस खाएंगे, ज़्यादा सब्जियां लेंगे, फल खाएंगे, सलाद खाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्त हों तो छोटे छोटे चेंजेस तो हमें करने हैं, और यदि हम इन चेंजेस को करेंगे तो पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करेंगे। नवजीवन साधना, क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं?
अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेय अर्चिका दीदी द्वारा। भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।